Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जीगाबाइट का 61S बोर्ड है, तो इसको हम आज रिपेयर करेंगे आपके सामने। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चला के आप देखेंगे, बंद हो गया और ये दोबारा चालू नहीं हो रहा है। दोबारा अगर हम दबाएंगे ऐसे तो ये ऐसे होता है, उसके बाद ऐसे हो जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि रैम से भी हो सकता है, तो हाँ सही है, रैम से भी हो सकता है और VRM सेक्शन से भी हो सकता है। तो रैम से हो रहा है या VRM सेक्शन से हो रहा है तो उसे हमें पहले कन्फर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले रैम को हटा दीजिए, उसके बाद दोबारा इसको चलाइए, ऐसी हालत है। तो VRM सेक्शन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसे भी आपको कंफर्म करना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मल्टीमीटर को बाजार रेंज में रखिए, डार्ट रेंज में। उसके बाद आप इसे चेक कीजिए, तो देखिए इसमें ओम्स जो है आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा VRM सेक्शन का भी इशू नहीं है। तो ये इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हो सकता है ओपेम से, दूसरा हो सकता है आईओ के थ्रू। तो अभी हमें देखना होगा यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट और दूसरी जगह पे है कि नहीं। तो शॉर्ट सर्किट होने की और भी चांसेस रहता है, जो कि हमारा लैन आईसी में होता है। तो लैन आईसी में भी शॉर्ट सर्किट नहीं है क्योंकि ये गर्म भी नहीं हो रहा है। तो इधर भी हम छोड़ देंगे और देखेंगे गौर से इस बोर्ड को यार कहाँ क्या गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ पे साटा कॉर्ड जो है ये हटा हुआ है, तो इसका प्लास्टिक गायब है यहाँ से। तो इससे ये तो टाच नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रिपेयर करने के बाद इसको हटाना है आपको। दूसरी बात, अगर आप डिटेल से देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर वगैरह जो है इसमें काफी सारा मॉइस्चर पकड़ चुका है, और यहाँ पे भी सल्फर की साइन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ओपेम है इसका, इसको कुछ लोग रेगुलेटर बोलते हैं, मैं भी कभी कभी बोलता हूँ। तो ये LM324 है, ये ओपेम है। तो इस ओपेम से भी कनेक्शन जो निकाल रहा है यहाँ पे रजिस्टर वगैरह का, इसको भी आपको चेक करना है। और ये आयो का जो यहाँ से ये गड़बड़ लग रहा है, इसको भी शॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीनर से थोड़ा सा क्लीन करेंगे, उसके बाद लिक्विड फ्लूक्स का इस्तेमाल करके इसको हीट अप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर वगैरह जो है यहाँ पे जंग लग चुका है पूरा का पूरा। तो आपको देख के इसका कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा बोर्ड देख के, या तो फिर इसका स्कीमेटिक तो आपको नहीं मिलेंगे, तो इसको लगाना है। तो लगाने से पहले हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे एक बार इसको, और क्लीन करने के बाद यहाँ पे हीट अप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम है मेरे को लग रहा है, देख सकते हैं ये सल्फर जम चुका है इसमें। माइक्रोस्कोप के बिना ये देखना बहुत ही मुश्किल का होता है। तो देखते हैं, ये मैं तो मेरे को तो दिख गया है। तो सबसे पहले हम थीनर का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है थोड़ा बहुत ये क्लीन हो जाएंगे यहाँ से। इसके बाद हम इसको ड्राई हीट करेंगे, लेकिन उससे भी अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो आपको रजिस्टर वगैरह जो है जंग लगा हुआ दिख रहा था उसको बदलना है। तो यहाँ पे ज़्यादा इसमें जंग लगा हुआ है एक रजिस्टर में, उसका पिन भी अंदर से टूट सकता है, जो कि मैंने एक लैपटॉप में दिखाए थे, पता नहीं। तो इसको हम एक बार लिक्विड फ्लूक्स लगा के हीट करके देख लेते हैं। तो ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप बदलना होगा। पहले पहला स्टेप को अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए ब्लोअर को गर्म करना होगा और इसमें लिक्विड पेस्ट भी डालना होगा।
इसे लगता नहीं कि ये होगा, तो तभी हम कोशिश करते हैं, करके देख लेते हैं। नॉर्मल फ्लूक्स इसमें इस्तेमाल करने के बाद ये नहीं होता है इस टाइप का प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे हमने लिक्विड रेजिन वाला जो है फ्लूक्स उसको इस्तेमाल किया है। पता नहीं अभी भी ये दो जो रजिस्टर यहाँ यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको आपको कंफर्म करके देखना होगा ये कौन सा है, क्या सीक्वेंस इसमें से जा रहा है, कौन सा सिग्नल पास आउट हो रहा है, ये भी हमें नहीं मालूम। तो उसके लिए आपको आयो का जो है डाटा सीट निकालना होगा, उसके बाद ही आपको मालूम पड़ जाएंगे कि उससे क्या निकाल रहा है। तो उसमें वो काफ़ी टाइम का मामला है उसमें, तो अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसको चला के देखेंगे। अब ये चल रहा है, डिस्प्ले भी इतने में आ जाना चाहिए था, तो हम एक बार देख लेते हैं डिस्प्ले हमारा आया है कि नहीं आया। डिस्प्ले भी आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, और यहाँ से इसको खोल के भी दिखाता हूँ, देख लीजिए। इसको थोड़ा सा टीचर करके दिखाता हूँ, ये जो है अभी हमारा काम बन चुका है, देख लीजिए ये गायब हो गया, लेकिन अभी भी हमारा जो है बोर्ड चल रहा है और ये डिस्प्ले आ रहा है यहाँ पे लगाने के बाद। तो अभी हम इसको रिस्टार्ट करके देखते हैं, हो चुका है ड्राई जो था, ड्राई के कारण से ये हो रहा था, तो ये ड्राई भी हट चुका है और डिस्प्ले भी हमारा आ चुका है। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर इसके बाद भी नहीं होता तो हम क्या करते, इसको बंद कर देते पहले। तो देखिए अगर ये नहीं होता इस तरीके से, तो हमें वो जो रजिस्टर में जंग लगा हुआ दिख रहा था उसको रिकवर करना था, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू जान के उसको बदलना था। तो अभी हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, और हमें इसको रिसोल्डरिंग भी नहीं किया, आयो को रिसोल्डरिंग भी नहीं किया, देख सकते आप बहुत सारा गंदगी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमने इसको रिसोल्डरिंग भी नहीं किया, खाली लिक्विड पेस्ट से इसको थोड़ा सा हीट अप किया और ये सही हो चुका है। तो इसके बाद भी अगर आगे जाके प्रॉब्लम आता है तो आपको रजिस्टर बदलना है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि यहाँ का और यहाँ का जितना भी रजिस्टर इसमें जंग लगा हुआ था, सल्फर लगा हुआ था, उसको आपको जरूर बदलना है। और गाइज इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ और लाखों के आसपास का फॉलोअर्स बन चुका है, लेकिन लाख अभी पूरा नहीं हुआ, तो मैं जानता हूँ आप लोग पूरा कर देंगे, तो जल्दी से पूरा कर दीजिए। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।